हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंधी ज़ोमैटो किचन। आज हम बना रहे श्री वाहेगुरु जी के गुरुद्वारे में जो प्रसाद मिलता है, कड़ा प्रसाद, आज हम वो बनाएंगे। तो उसके लिए पहले हमने एक कटोरी घी ली है, एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, एक कटोरी शक्कर ली है और एक गिलास के आसपास हमने पानी लिया। हम अपनी कढ़ाई के अंदर घी ऐड करेंगे जो हमने घी लिया था। अभी हमने इसमें आटा ऐड किया है घी में। अभी इसको अच्छे से चलाते ही रहना है, नहीं इसमें लम्स नहीं होने चाहिए हमारे आटे में। और इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होए तब तक हम इसको हमारे घी में पकाएंगे हमारे आटे को। हमारे आटे को हम सेम आँच पे ही भूनेंगे। और जब भी आप अपने घर पे कड़ा प्रसाद बनाए तब वाहेगुरु जी का जप जरूर कीजिएगा, जिससे क्या है हमारे कड़ा प्रसाद का स्वाद और ज्यादा बढ़ जाएगा। देखिए, अभी हमारा कड़ा प्रसाद गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर शक्कर ऐड करेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। थोड़ा पानी ऐड किया, फिर उसके बाद अच्छे से हिला लेंगे इसको। देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है हमारे कड़ा प्रसाद में। अभी जो हमारा बचा हुआ पानी था वो ऐड करेंगे हम इसके अंदर। अभी हम अपने कड़ा प्रसाद को अच्छे से पकाएंगे, जैसे साइड में से घी भी अच्छे से निकल जाए, फिर हम अपने कड़ा प्रसाद को सर्व। देखिए, अभी हमारे कड़ा प्रसाद में से साइड में से घी निकल चुका है, इसका मतलब है हमारा कड़ा प्रसाद अच्छे से भुन चुका है। चलिए अब हमारे कड़ा प्रसाद को हम परोसते हैं। ये देखिए, अभी हमने अपने गुरु का प्रसाद जो है कड़ा प्रसाद वो सर्व कर दिया है। और कमेंट में वाहेगुरु जी जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।